रेनफॉल का हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाना, इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है उत्तराखंड के हिली पार्ट्स में. एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फार्मिंग देयर. और सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. जंगली जानवर क्या करते हैं, सारा उनका क्रॉप सब कुछ खराब कर देते हैं. और तो मशरूम इट्स एन इंडोर कल्टिवेशन, तो मशरूम को वो खराब नहीं कर पाते, यू नो, डैमेज दैट क्रॉप. सेकेंड थिंग इज दैट द बेस्ट थिंग अबाउट द मशरूम कल्टिवेशन इज ये जल जमीन जलवायु की खेती नहीं है. एवरीथिंग अबाउट कि कितना बीघा खेत चाहिए, कितना बीघा लैंड चाहिए, तो ये सब मशरूम में है ही नहीं. सिर्फ टेम्परेचर चाहिए. एंड सो वॉट वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वी आर कल्टिवेटिंग डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज ऑफ मशरूम इन अ ईयर. राउंड द ईयर वी आर कल्टिवेटिंग इट. सर्दियों में सर्दियों की लगा दी, मॉडरेट टेम्परेचर में मॉडरेट टेम्परेचर की लगा दिया, और हाई टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर की क्रॉप लगा दी. सो इट्स अ टेक्निकल पार्ट. वेन इट्स कम्स अबाउट कि मशरूम कल्टिवेशन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट कल्टिवेशन, अगर हम और किसी वेजिटेबल से कंपेयर करें, एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉडल फॉर उत्तराखंड, जो यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है, और एग्रीकल्चर का जो नंबर है, जो रेशियो, इट्स कमिंग वेरी डाउन, की बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है. सो In 2013, we started this work, and under this work, what we are doing, we are running a program, we call it Mushroom Gharelu Utpad Paryojana. So what we are doing actually, we are like, as in reading by an example for people, what we are doing, कभी आर्टिकल आ गया या कभी किसी को पता चल गया, समथिंग, कुछ भी, किसी भी सोर्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को पता चलता है, ओके, दिव्या रावत इज डूइंग दिस एंड दैट, सो पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट मी कि कैसे करते मशरूम कल्टिवेशन कर रहे हैं. तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कॉन्टैक्टिंग अस, दे आर विजिटिंग अस, एंड देन वी आर गिविंग दैम वर्कशॉप, कार्यशाला देना, पूरा 3 दिन का प्रैक्टिकल उनको सिखाते हैं, वो पूरा मशरूम को प्रैक्टिकली करते हैं. उसके बाद दैट इज द कार्यशाला देना इज द ट्रांसफरिंग करेक्ट नॉलेज टू देम, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट नॉलेज, सही नॉलेज उनको ट्रांसफर करना. उसके बाद जब वो सीख कर वापस जाते हैं अपने गांव और अपने घर, तो वी गिव देम वेरी सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग फॉलोअर. क्योंकि प्रैक्टिकली जब किसी चीज़ के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, कभी ना कभी कोई कन्फ्यूजन होता है, और उस कन्फ्यूजन में इफ़ वी विल नॉट गिव देम फॉलोअप, तो वो क्रॉप उनकी सारी खराब हो जाएगी. तो वी गिव देम वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअप, और जब उनकी क्रॉप पूरी निकल आती है तो वी प्रोक्योर, हम सारा उसको खरीद लेते हैं. इसी तरह से वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द उत्तराखंड. अब पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. इवन अभी मैं अभी आई स्टार्टेड विद जो 100 रुपये किलो वाली मशरूम होती है वो, बट अब मैं 3 लाख रुपए वाली मशरूम भी लगाती हूँ. वी कॉल इट कॉडिसेप मिलेटरीज या कीड़ा जड़ी. तो 3 लाख रुपए पर केजी हम उसको सेल करते हैं. यहाँ पे मेरी अपनी खुद की उसकी टिश्यू कल्चर लैब है, और ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत सारे ग्रोवर्स 3 लाख रुपए पर केजी वाली मशरूम में और लैब्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं. बट अगर बताया जाए तो 25 to 30 वेराइटीज़ में मशरूम की कल्टीवेट करती है, डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़, दैट स्टार्ट विद 100 रुपीज़ करके पर केजी,